जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के पास तंगधार में आतंकी हमला, मौके पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ी भेजी गई, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आतंकियों ने अचानक शुरू की सेना के ठिकाने पर फायरिंग, सेना के एक तेल के डिपो में आग की भी खबर, रात में LOC से घुसपैठ किए जाने की आशंका। सिंगापुर दौरा खत्म कर भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी, देर रात पहुंचे दिल्ली, एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। असहनशीलता पर उठते सवालों का मोदी ने सिंगापुर में दिया जवाब, मिलजुल कर रहने की भारतीय परंपरा की याद दिलाई। वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। इस मंत्र को जी करके दिखाया है। गायक AR रहमान ने आमिर की असहिष्णुता के सुर को दी सरगम, कहा कुछ महीने पहले उन्हें भी करना पड़ा था ऐसे ही हालात का सामना, बढ़ती असहिष्णुता की बात को ठहराया जायज। बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान भी आए आमिर के साथ, कहा बढ़ रही है असहिष्णुता, अभिव्यक्ति की आजादी पर हो रहा है हमला। आमिर खान पर शिवसेना का बड़ा हमला, संपादकीय में आमिर को लिखा रणछोड़दास, लिखा सत्यमेव जयते का मुखौटा उतर गया और देशभक्ति का गुब्बारा फूट गया। सामना में लिखा कि अगर ज्यादा परेशानी में है आमिर तो अपनी अगली फिल्म भारत की बजाय अन्य देशों में करे प्रदर्शित, लिखा हिंदुस्तान में मुसलमान जितने महफूज हैं उतने महफूज दुनिया के इस्लामी देश भी नहीं। असहिष्णुता पर अभिनेता आमिर खान के बयान का इलाहाबाद में विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमिर के जलाए पोस्टर, दिल्ली और हाथरस में आमिर के खिलाफ शिकायत दर्ज। मुंबई में भी आमिर खान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन, हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने आमिर के घर के बाहर की नारेबाजी, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पटना में भी आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, आमिर खान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लुधियाना में भी आमिर खान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन, आमिर के बयान को लेकर लोगों में गुस्सा। आमिर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई के बांद्रा में उनके घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, घर के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, शाम को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी बुलाई सभी दलों की बैठक। शीतकालीन सत्र में रणनीति तैयार करने के लिए शाम 5 बजे बीजेपी के प्रधानमंत्री निवास पर बैठक, 6 बजे NDA के नेताओं की बैठक। कल से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, कई मुद्दों को लेकर सदन में विपक्ष कर सकता है हंगामा। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की मोदी को चुनौती, कहा 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में करें शामिल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बेंगलोर के दौरे पर, राहुल माउंट कार्मल कॉलेज भी जाएंगे और वहां छात्रों से करेंगे मुलाकात। कार्तिक की पूर्णिमा पर देश भर में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, इलाहाबाद में गंगा के तट पर जुटे हजारों श्रद्धालु। यूपी के अयोध्या में भी लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, कार्तिक महीने में ही वनवास खत्म कर लौटे थे भगवान राम, राम की नगरी में गजब की रौनक। वाराणसी में भी गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं का लगा तांता, पूर्णिमा के स्नान के लिए घाटों पर किए गए थे खास इंतजाम। गुरु नानक जयंती पर दिल्ली में भी धूम, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पंत मार्ग और रकाबगंज रोड समेत कई सड़कों से बचने की सलाह। सोमवार को कटरा में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद फिर से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, पहली टेस्ट फ्लाइट ने भरी उड़ान, DGCA टीम और श्राइन बोर्ड ने किया निरीक्षण।
हिसार में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल और धरना प्रदर्शन में शामिल होने पर राज्य सरकार के लगाए बैन के खिलाफ प्रदर्शन, फैसले की कॉपी जलाकर जताया विरोध। मेरठ में सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए छात्राओं से दोस्ती कर उनके साथ गलत काम करने वाले गैंग का पर्दाफाश, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में शादी समारोह में गैस लीक होने से हादसा, 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। नोएडा के सेक्टर 120 में हार्ट अटैक से पति की मौत के बाद सदमे में आई पत्नी ने की खुदकुशी, अपने फ्लैट से कूद कर जान दी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने के बाद खंभे से टकराया था युवक। ग्रीन टैक्स लगने से कम हुई दिल्ली में ट्रकों की एंट्री, टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने निगम को दी जाने वाली रकम में की 30% की कटौती। सूत्रों के मुताबिक शीना मर्डर केस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे पीटर मुखर्जी, शीना मर्डर केस में हो सकता है पीटर का लाई डिटेक्टर टेस्ट। शीना के भाई मिखाइल बोरा ने कहा, जांच में सहयोग के लिए तैयार, जरूरत हुई तो मुंबई भी जाऊंगा। दिल्ली में बीमा के नाम पर बोनस दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में लिफ्ट लेने के बहाने कार लूटते 2 बदमाश गिरफ्तार, यूपी के बुलंदशहर से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास मारुति वैन में लगी भीषण आग, गाड़ी में सवार लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकले। नागपुर में आज से भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3रा टेस्ट, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है भारत। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने मैच से पहले गेंदबाजों पर जताया भरोसा, कहा भारत के पास 3-3 खतरनाक स्पिनर्स। मैच से पहले मेहमान टीम को झटका, तेज गेंदबाज डेल स्टेन अनफिट, 3रे टेस्ट से बाहर रहेंगे। पाक सरकार ने पीसीबी को भारत पाक सीरीज के लिए दी हरी झंडी, अब भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार, 27 को हो सकता है ऐलान। टेस्ट मैच को और रोमांचक बनाने की तैयारी, 27 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पिंक बॉल से पहला डे नाइट टेस्ट शुरू होगा। रूसी लड़ाकू विमान को टर्की ने मार गिराया, टर्की का दावा उसके हवाई क्षेत्र में था रूसी विमान, हमले में एक रूसी पायलट की मौत जबकि दूसरा बताया जा रहा है लापता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हमले को बताया विश्वासघात, लेकिन अमेरिका और नाटो ने किया टर्की का समर्थन, कहा टर्की को आत्मरक्षा का पूरा हक। सीरिया में विद्रोहियों ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया, मिसाइल हमले का शिकार हुआ रूसी हेलीकॉप्टर। पेरिस हमले के बाद अमेरिका दौरे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद ओबामा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ट्यूनीशिया में सेना की बस पर बम से हमला, हमले में 11 सैनिकों की मौत, हमले के बाद ट्यूनीशिया में 30 दिन आपातकाल का ऐलान। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।